जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। स्वागतम, सुस्वागतम। आज मनीष और काम्या की शादी की 9वीं सालगिरह में आप सबका स्वागत है। आइए ना। वैसे हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, सब घर के ही लोग हैं। आइए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। अरे अपना इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। मैं हूँ सुचित्रा मेहरा, मनीष की चाची हूँ मैं और रेलवे में सेक्शन ऑफिसर हूँ। आइए मैं आपको और लोगों से मिलवाती हूँ। अरे सुनिए, ये है मेरे हस्बैंड गजेंद्र मेहरा, पेशे से बिजनेसमैन है। जी नमस्ते। अरे खड़े क्या है, मिलवाइए ना उन्हें। आइए आइए, ये है हमारी भाभी। भाभी ये है मेरी बड़ी भाभी, हमारे मनीष की मम्मी। नमस्ते। आइए ना आइए। ये मेरे वो हैं, सुनिए। देखिए ना। नमस्ते, मैं राजेंद्र मेहरा इनका पति हूँ। हमारे दो बच्चे हैं, मनीष जिसकी आज शादी की सालगिरह है और दूसरा विवेक। यही होगा। विकी विकी विके आइए आइए। विवेक लेके जाओ इन्हें। आइए। और ये हैं हमारे शैतान माधवी और चिंटू, मनीष भैया और काम्या भाभी के बच्चे। आइए। और ये है हमारी प्यारी बड़ी बहन। प्रणाम। कैसे कपूर साहब? जीते रहो भाई। ठीक। आइए आइए प्लीज। माँ देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे अपने कपूर साहब आए हैं, काम्या के पिताजी। जीते रहो। और समदन जी क्या हाल है? बस ठीक हूँ भाई साहब। ओहो, बाकी किसी को नहीं पहचानती और मुझे पहचानते ही भाई साहब कह देती। आप हमारे पोते की पत्नी काम्या के दादा हैं, तो इसी लिहाज से आप हमारे भाई साहब हो गए। वो तो गनीमत है कि हमारी पोती की आप दादी सास हैं, इसलिए हम आपसे बात कर लेते हैं। वरना आज भी अगर सड़क पर निकल पड़े ना, सास से समझाएंगे। अरे कपूर साहब ये छोड़िए, आप ये बताइए भाई हमारी समदन जी कहाँ है? वो क्या है कि मैं बाबूजी को लेके पहले निकल आया और बाकी काम्या की मम्मी, हमारी बड़ी बेटी नीलू और दामाद दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। आप लोग सब हमारे बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं जिनके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं? हाँ, मनीष और काम्या कहाँ हैं? मम्मी अभी भी तैयार हो रही है। कैसी लग रही हूँ? बार बार एक ही बात करने से रंग रूप बदल तो नहीं जाएगा ना? अब मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना, और पहले तो ये बात तो तुम पर भी लागू होती है ना काम्या। समझ में नहीं आता है हम लोग साथ में क्यों रह रहे हैं। I'm ready. चलें। जी काम्या, बाहर लोग खड़े हैं, अपना मूड ठीक कर लो। आज नहीं तो कल सबको असलियत का पता चलना ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे हिसाब से हम पार्टी रुकवा देते हैं।
जो चीज पार्टी के बाद होने वाली है वो पार्टी के पहले ही सही। मनीष क्या हुआ भाई, तुम लोग तैयार नहीं हुए? सब लोग वेट कर रहे हैं भाई। सब ठीक है ना? जी पापा सब ठीक है। एक्चुअली मैंने इन्हें ब्राउन कलर पहनने के लिए कहा तो इन्होंने ब्लैक कलर पहन लिया। थैंक यू बेटा, आई मीन दोनों को थैंक यू, मेरे परिवार को इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ाने के। बेटा बाहर तो साल में एक बार आती है, मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को कि तुम्हारी जिंदगी में ये बहार हमेशा रहे और सदा खुशियां लुटाती रहे। जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। ओ जब जब मेरे तराने नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुनगुनाए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। सुनिए सुनिए सुनिए, अब केक काटा जाएगा। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि केक के पास आए। मनीष काम्या प्लीज आप भी आइए। आओ जी, परिवार के इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर मेरा दिल खुश हो गया और ये सब इनकी वजह से हुआ। हाँ कपूर साहब, देखिए ना इन दोनों की शादी ने कितने रिश्ते जोड़ दिए। इस भरे पूरे परिवार को देखकर तो लगता ही नहीं कि ये दो अलग अलग परिवार हैं। यूं लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा परिवार है जिसके हर सदस्य की जड़ें इन दोनों के दिलों से जुड़ी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। जब बहार आए, जब बहार आए। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। मैं देखती हूँ।
एक मिनट। जी आई एम सॉरी, वो मोबाइल देखा नहीं मैंने, साइलेंट पे था। कहिए। क्या हुआ? कह रहे हैं आधे घंटे में पहुंचूं तुम्हें लेकर, वरना मेरे ख्याल से हमें घर वालों को बता देना चाहिए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास काफी। कम ऑन। प्लीज प्रोसीड। यस योर ऑनर, मिस्टर मनीष मेहरा और मिसेस काम्या मेहरा आपके पास एक फरियाद लेकर आए थे। मिस्टर मनीष और मिसेस काम्या पिछले 8 सालों से एक शादीशुदा दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्लॉड इनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की है जिसका नाम है माधवी, उम्र 7 साल। 7 साल, और एक बेटा है चिंटू, 4 साल का। 4 साल का। आज से ठीक 6 महीने पहले आज ही की तारीख में इनकी सुनवाई हुई थी और आपने इन दोनों को 6 महीने की मोहलत भी दी थी। और आज 6 महीने बाद भी ये अपने फैसले पर अटल हैं। इसलिए मेरी कोर्ट से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनकी फरियाद को देखते हुए इन्हें वो दिया जाए जिसके ये हकदार हैं। मिस्टर मनीष मेहरा और मिसेस काम्या मेहरा, अदालत आपको एक लास्ट चांस देना चाहती है। क्या आप अपना फैसला बदलना चाहते हैं? जी नहीं मैम। आईपीसी के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत अदालत मिस्टर मनीष मेहरा और मिसेस काम्या मेहरा का तलाक कराती है। तलाक कराती है। तलाक कराती है। और रही बात बच्चों की, तो क्योंकि बच्चे माइनर हैं इसलिए 18 साल तक मंडे टू फ्राइडे वो अपनी मम्मी मिसेज मिस काम्या के साथ रहेंगे और सैटरडे संडे अपने पापा मिस्टर मनीष के साथ रहेंगे। द कोर्ट इज अजर्न। हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। जब जब बहार आई, जब जब बहार आई।
बोलो बेटा। मेरा नाम है माधवी और मेरा नाम चिंटू। हम उस मम्मी पापा के बच्चे हैं जिसको आपने अभी अभी अलग कर दिया। एक मिनट। क्यों उन्हें अलग किया आंटी? मैं तो दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे जो मम्मी पापा है ना, वो एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे, इसलिए हमने लॉ ने उन्हें अलग रहने की परमिशन दे दी। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मंडे टू फ्राइडे तुम अपनी मम्मी के पास रहना और सैटरडे संडे अपने पापा के पास, ठीक है? आंटी, लॉ कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि सुबह में टिफिन कौन पैक करेगा? लॉ कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि मम्मी कब चाहिए और पापा कब चाहिए? ये लॉ कौन है और कहाँ रहता है? आंटी, अगर आपको उससे डर लगता है तो मुझे बता देना, मैं उसे अपनी गन से मार दूंगा क्योंकि उसने मेरी मम्मी पापा को अलग किया। ऐसा भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है, मासूमियत क्यों लूटे, ऐसी भी क्या खता है, दे दी नजर में खुशियाँ या फिर गम के साए। बिल्कुल गलत फैसला है। अरे कोई तकलीफ है तो हमें बता। तुम लोग इतने एडवांस हो गए कि किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, हम मर गए थे क्या? दादी, ये जो डिसीजन लिया है हम लोगों ने लिया है, मेरा और काम्या का आपसी मामला है ये। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पर्सनल मामले को आप लोग इस तरह पब्लिकली क्यों उछाल रहे हैं। Oh, you shut up! अपनी आवाज नीची रखो वरना एक थप्पड़ दूंगा, सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। देखो बेटा, शादीशुदा जिंदगी में छोटी मोटी बातें होती रहती है, अरे किसकी जिंदगी में नहीं हुई। अच्छा तुम बताओ काम्या कैसा, तो भाई क्या प्रॉब्लम है? काम्या बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी तुम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते? ऐसा क्या हो गया है कि किसी से बिना पूछे तुमने तलाक ले लिया? दादी वो बेटी, ये बात जरा खुल के समझाओगी? वो क्या है, हम हिंदुस्तानी, ये अंग्रेजी जुमले हमें समझ नहीं आते। समझ में तो मुझे नहीं आता दादाजी कि 8 साल तक एक पति पत्नी एक ही छत के नीचे साथ में कैसे रह सके। मतलब वही वही चेहरा, वही बातें, वही आदतें, बोर नहीं हो जाते आप लोग? और पापा, मैंने आपको और मम्मी को देखा है रोज झगड़ते हुए, कम से कम आधा घंटा रोज कोई ना कोई मनमुटाव होता ही था, लेकिन फिर भी आप लोग इतने साल तक साथ में रहे। वजह ये नहीं थी कि आप लोग अलग होना नहीं चाहते थे, वजह ये थी कि आप अलग हो नहीं सकते, मजबूरी, क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है ना पापा। अगर वो घर छोड़कर चली जाती तो वो कैसे जी पाती अपने आप? लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में मैं भी पढ़ा लिखा हूं, काम्या भी पढ़ी लिखी है, वो भी कमाती है, मैं भी कमाता हूं, तो बंद कर अपनी बकवास। तेरी मां ने कभी मेरे साथ कुछ समझौता नहीं किया। प्यार क्या है प्यार? अरे तुझे आधा घंटा हमारी लड़ाई तो दिखी, 23.5 घंटे हमारा प्यार नहीं दिखा जो हमने तुम पर न्योछावर किया है? अरे किस काम की है तुम्हारी पढ़ाई और ये मॉडर्न संस्कार जो रिश्ते जोड़ते नहीं तोड़ते हैं? अरे मेरी बीवी कम पढ़ी लिखी है, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे साथ तो है, सारा परिवार तो उसके साथ है, तुम तो देखो तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं है, देखो जरा।
जब जब बहार आए, जब जब बहार आए। काम्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती, अपने लिए नहीं, इन बच्चों के खातिर अपना फैसला तो बदल दो। चाची प्लीज, आप लोग खामखा बात का बतंगड़ बना रहे। मैंने कहा ना कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, और आजकल जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तलाक के बाद भी मैं और कामया, we will remain friends। मनीष ठीक कह रहा है, बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। वैसे भी आजकल फुल टाइम बाई या आया मिल जाती है। और दादाजी, वैसे भी आजकल रिश्ते निभाने के लिए टाइम किसके पास है? सही कहा तुमने, रिश्ते निभाने का टाइम ही नहीं किसी के पास। इसलिए तुम्हारी ये जनरेशन है ना, ये रिश्तों को तोड़ती जा रही है। बेटा ये जो तलाक है ना, ये तलाक एक जहरीला नाग है जो अपना फन धीरे धीरे समाज में फैलाता जा रहा है। कुचल दो इसे, इससे पहले कि अपना जहर इन मासूमों के भविष्य में बढ़े। देख मनीष, तेरे मेरे बीच में चाचा भतीजे के अलावा एक दोस्ती का रिश्ता है। उस दोस्ती के नाते तुझे समझाता हूं, छोड़ दे इसे। नहीं चाचा, हमारा फैसला अटल है। रिश्ता वो क्यों बनाया जिसे तोड़ ही था देना, वादा किया था फिर क्यों, जब ना था संग रहना। माधवी चलो। खामोश है ये नजरें, आंसू के बहते धारे। अभी कुछ देर पहले ही अदालत ने मिस्टर मनीष और काम्या के डिवोर्स का फैसला सुनाया। लेकिन मिलॉर्ड, नहीं नहीं, मैं अदालत का फैसला नहीं बदल रही हूँ। ये जिंदगी काम्या और मनीष की है, और वो इसे किस तरह गुजारे ये उनका निजी फैसला है। 8 साल पहले जब मनीष और काम्या की शादी हुई थी तो उनके साथ जुड़ गए थे उनके परिवार वाले और उनके कई रिश्ते। अब कानून की किताबों में जो फैसला है वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन बेशक उन्हें हिदायत दे सकती है कि भले ही काम्या और मनीष का तलाक हो गया हो, लेकिन लॉ का ये मानना है कि ये दोनों अपने फैसले अपने परिवार वालों और अपने बच्चों पर नहीं थोप सकते। इसीलिए 6 महीने तक काम्या और मनीष को माधवी और चिंटू के मम्मी पापा बन के रहना पड़ेगा। छह महीने बाद लॉ माधवी और चिंटू से ये पूछेगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। द कोर्ट इज adjourned।
बता